हुआ क्या रोनुमा हुआ। नॉर्थ कराची के इलाके में वाकई 2 मिनट चौरंगी के करीब 2 मंजिला इमारत में आग लग गई और हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। इससे कबल भी न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाली आग को बुझाने के लिए न्यू कराची फायर स्टेशन के बजाय सदर फायर स्टेशन से गाड़ी मंगवाई गई। वजह क्या थी? गाड़ी में फ्यूल नहीं। फायर ब्रिगेड का इदारा जिसका शुमार निहायत हसास इदारों में होता है और जिसकी जरूरत हादसे के फौरन बाद पेश आती है, इसके ऑपरेशन में जरा भी ताखिर बड़े नुकसान का सबब बनती है। मगर KMC के जेर इंतजाम इस निहायत हसास इदारे को फ्यूल ही नहीं मिल रहा। कराची की आबादी इस वक्त लगभग 2.5 करोड़ के करीब है और इस 2.5 करोड़ की आबादी के लिए टोटल 24 फायर स्टेशन हैं, जिनमें से सिर्फ 4 काम कर रहे हैं। किसी भी हादसा की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरे कराची में सिर्फ 16 फायर ब्रिगेड्स वर्किंग कंडीशन में हैं, बाकी सब स्क्रैप। और इन 16 गाड़ियों को भी फ्यूल और पानी के लिए KMC के आगे भीख मांगनी पड़ती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तस की गई रकम के मुताबिक एक फायर ब्रिगेड को 60 लीटर पेट्रोल दिया जाता था, जो कि अब कम करके 40 लीटर कर दिया गया है। ये फ्यूल 3 से 4 दिन तक चलता था। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती। फायर ब्रिगेड्स को अपना ये फ्यूल वसूल करने के लिए जाना होगा शारे फैसल, यानी पूरे कराची के फायर स्टेशन से गाड़ियाँ शारे फैसल जाएंगी और अपना अपना फ्यूल लेके वापस रवाना हो जाएंगी और यूं लाखों का पेट्रोल या डीजल आराम से यूं ही आने जाने में जाया हो जाएगा। यानी इस मुल्क में जीना तो मुश्किल है ही, मगर जान बचाना डबल मुश्किल। अब बेचारे अवाम को चाहिए कि कहीं आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड का इंतजार करने के बजाय गैर की मदद का इंतजार करें, क्योंकि फायर ब्रिगेड का तो अब कोई आसरा नहीं।